नमस्ते एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छी हेल्थ में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। वायरस का एक कहर चालू है एंड बहुत सी बातें चल रही हैं व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। मैं उस बारे में ज़्यादा आप लोगों को लोड नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले मैंने एक नोट लिखा था कि ये समय घबराने का नहीं है, ये समय डरने का नहीं है, लेकिन ये समय जो है बहादुरी दिखाने का भी नहीं है कि हम बहादुर बन जाएँ, हम ब्रेव बन जाएँ और हम सोचें कि हम भीष्म पितामह हैं, हमें सदियों तो कुछ नहीं होगा। ये समय वैसा भी नहीं है, तो इस चक्कर में कहीं हम इस आउटब्रेक को लाइटली ले लेंगे। तो ये एक समय है जहां हमें कॉशियस होना है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक भी होना है। तो इसके बीच में खेलना है कि हम ऑप्टिमिस्टिक भी हैं लेकिन सतर्क हैं, कॉशियस हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं और एंड सिंस आई बींग अ पब्लिक फिगर, आई हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो अगले कुछ दिनों में मेरे बड़े दो प्रोग्राम्स थे जिनको मैंने पोस्टपोन किया है। बड़ी गैदरिंग होती है 200-300 लोगों की, सो वो मैंने पोस्टपोन किया। इट्स अ बिजनेस डिसीजन, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, बिजनेस वाइज होता है और चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैंने फिर भी एक कॉल लिया बिकॉज ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि इसका इलाज तो है नहीं कुछ वायरस का, तो एक ही तरीका है कि क्या हम इसको कन्फाइन कर सकते हैं, इसको लिमिट कर सकते हैं, और उसमें जो हम रोल प्ले कर सकते हैं वो हम करेंगे। डॉक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, और एज अवेक एंड अवेयर सिटीजन्स हम भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो लेट अस नॉट बी ब्रेव इनफ टू से हमें कुछ नहीं होगा, या हम जाएं उन सिचुएशंस में जहां पर हम अननोइंगली उस चीज़ को हम और बढ़ाएं और स्प्रेड करें। सो हमने ये कॉल लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे लिए वो एसेंशियल था, फिर भी हमने कॉल लिया। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि नॉन एसेंशियल मीटिंग्स में तो ना जाएं आप, नॉन एसेंशियल गैदरिंग्स में तो ना जाएं, जो ज़रूरी है वो करें। 10-15 दिन की बात है, देन अगेन थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। और मुझे लगता है कि इसका एक और अगर मैं पहलू देखूं तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन अ डिफरेंट वे। यस, शायद ऊपर वाला ही बोल रहा है कि थोड़ा थम जाओ और थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो जिंदगी को कि किस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो, किस चीज़ के लिए तुम व्यर्थ परेशान हो रहे हो। आई थिंक इट्स नमस्ते तो ले लिया है दुनिया ने हमसे, शायद भगवद्गीता के कुछ पार्ट भी हमसे लोग ले लें और शायद अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में उसका उपयोग करें कि पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हुआ है। मैंने आज सुबह वही किया अपने बच्चों के साथ, हम सुबह से बैठे थे, हमने उनके बच्चों की पूरी बचपन से लेकर अभी तक के सारे उनके रिपोर्ट कार्ड्स निकाले, उनके बर्थडे विशेज जो उनके कार्ड्स थे वो निकाले, उनकी पिक्चर्स निकाली, और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया, बिकॉज वो सब मेमोरीज ताज़ा हो गई। उन्होंने क्या लिखा था, उनको क्या मिला था, वो कैसे दिखते थे, हम कैसे दिखते थे, तो बड़ा अच्छा समय निकला। तो मुझे लगता है कि इस समय को भी हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज ये समय तो है और इसको जीना तो है। तो या तो बेचैनी में जी सकते हैं, या डर के जी सकते हैं, या फिर जो इस सिचुएशन में करना चाहिए वो करके जी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन डरने वाली नहीं है, ये बहादुरी दिखाने वाली भी नहीं है, ये एक ठहरने वाली है, एक दो कदम आगे ना बढ़े हम रुकें थमें, और शायद मुझे लगता है कि ये समय अच्छा निकल जाएगा हमारा, और फिर एक समय आएगा जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, हम फिर भागेंगे, फिर दौड़ेंगे, तो फिर जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये समय का मलाल नहीं होगा कि ये समय यार कैसे बिताया। इस समय का भी एक अलग मकसद होगा हमारी लाइफ में, तो उस मकसद को समझते हुए इसको जीते हैं। तो ठहरिए अपनी ज़िंदगी में और पूछिए अपने आप से, ये सवाल करने का समय है, कुछ अच्छे सवाल करिए, कुछ अच्छा समय बिताइए, कुछ उन चीज़ों को ध्यान दीजिए जो शायद जाने अनजाने में ध्यान आप ना दे पाए हों। तो हर चीज़ बिजनेस की नहीं होती, हर चीज़ भागने दौड़ने के लिए नहीं होती, हर चीज़ को के पीछे रेस लगाना ये भी ज़रूरी नहीं है, थमना भी ज़रूरी है। तो शायद यही एक मैसेज होगा वायरस का, अनजान एक अलग रूप से हम सब के लिए। तो सब आप विद अ विश दैट आप अपना ध्यान रखें, विद अ विश दैट जो लोग वायरस से पीड़ित हैं वो लोग जल्दी रिकवर करें, एंड वी कम बैक टू नॉर्मलसी, बट विद अ बिग लेसन ऑफ लाइफ इज़ मच मोर देन जस्ट रनिंग अराउंड। सो अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते।